हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पाकिस्तान रेजोल्यूशन देखा था जो मुस्लिम लीग ने प्रेजेंट करा था 1940 में, लेकिन ये हमें लास्ट बॉक्स पढ़ लेना चाहिए था, तो ये मेरी मिस्टेक है, मेरे को तभी ये बता देना चाहिए था, बट एनीवेज अभी खत्म कर लेते हैं। तो मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन 1940, सेम पाकिस्तान रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सो द लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940 डिमांडेड, इसकी डिमांड क्या थी, रेजोल्यूशन का मतलब क्या था, दैट ज्योग्राफिकली कंटिन्यूअस यूनिट्स आर डिमार्केटेड इनटू रीजंस which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary that the Muslims in area in which that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the northwestern and eastern zones of India should be grouped to constitute independent states। word ध्यान दीजिए, independent states, बाकी सब words की तो इतनी meaning है नहीं। in which the constituent units shall be autonomous and sovereign। अगेन कुछ कुछ वर्ड्स में अंडरलाइन करते रहो, ऑटोनोमस, सोवरेन, मुस्लिम मेजोरिटीज, और किस रीजन में, ईस्टर्न मतलब बंगाल की साइड, नॉर्थ वेस्टर्न मतलब सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, कश्मीर उस साइड। ठीक है, तो लीग का बस सिंपल सा डिमांड है कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स हैं भारत के नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साइड में, वही डोमिनेटेड रीजन्स थे, वहां पे आप इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दीजिए, और उन इंडिपेंडेंट स्टेट्स की ऑटोनॉमी और सॉवरेन होना चाहिए। याद रखिए, पार्टीशन की कोई बात नहीं है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका था। यहाँ इस पे क्वेश्चन आते, व्हाट वाज द लीग डिमांडिंग, इसका आंसर आप दो, वैसे तो मैं दे ही चुका हूँ। वाज इट डिमांडिंग पाकिस्तान एज वी नो टुडे, इसका भी आंसर आप दो, ये भी मैं समझा ही चुका हूँ, है ना। और आपने देखा कि 1940 तक तो डिमांड आ रही रही कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री चाहिए, फिर ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान की डिमांड आने लग गई। देखते हैं, ये टॉपिक है सडननेस ऑफ पार्टीशन, जो हम सब के लिए थोड़ा सा सैड एक इंसिडेंट रहेगा। वी हैव सीन दैट द लीग इटसेल्फ वाज वेक अबाउट इट्स डिमांड इन 1940। ध्यान रखिए, पॉइंट बार बार आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ, ये एग्जाम में मत लिख के आना कि हाँ जी भाई डिमांड कर रही थी लीग तो 1935 से 1940 से, बातें गलत है। ठीक है, तो वो बातें गलत है। There was a very short time, just 7 years, between the first formal articulation of the demand for a measure of autonomy for the Muslim majority areas of the subcontinent and the partition। अभी भी देखिए, सिर्फ 7 साल में पाकिस्तान मिल गया, और उन 7 साल में भी अगर आप देखो तो मेजर ऑफ ऑटोनॉमी की बात हो रही है। ऑटोनॉमी वर्ड मैं बहुत दिनों से समझा रहा हूँ, आई होप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे होंगे। ऑटोनॉमी का बिल्कुल मतलब ये नहीं होता कि अलग कंट्री बनाना। नो वन न्यू व्हाट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान मेंट, किसी को नहीं पता पाकिस्तान का मतलब क्या है ना, किसी को नहीं पता। स्टेट चाहिए मतलब कंट्री नहीं चाहिए तो क्लियर ही था, क्योंकि वो सोचना इतना आसान नहीं था। आपको ऑटोनॉमस स्टेट चाहिए, प्रोविंस चाहिए, क्या चाहिए क्लियर ही नहीं, वहाँ मुस्लिम्स ही रहे या क्या रहे क्लियर नहीं। ठीक है, एंड हाउ इट माइट शेप पीपल्स लाइव्स इन द फ्यूचर, और नॉर्मल पीपल दे डोंट इवन केयर, है ना, वो तो अपना जी रहे थे, उनको तो कोई परवाह नहीं थी। राइट टू वोट भी लिमिटेड लोगों के हाथ में था, याद रखिए। तो अगर वोट करके मुस्लिम लीग आई भी, अगर इलेक्शंस में जो अभी इलेक्शंस होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग चाहते थे कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान को डोमिनेट करे या कांग्रेस इंडिया को डोमिनेट करे। इलेक्शंस कैन नॉट जस्टिफाई ना, राइट टू वोट जो आपने बहुत कम लोगों को दे रखा है, राइट, तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट समझना। मैनी हु माइग्रेटेड फ्रॉम देयर होमलैंड्स इन 1947 थॉट दे वुड रिटर्न एज सून एज द पीस प्रिवेल्ड अगेन। लोगों को लगा ऐसे ही लड़ रहे हैं, नेता वेता अपना कर रहे हैं, करते रहते हैं कि चलो डिवाइड कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो करते थे, जब पीस होगी अपने लैंड में वापस आ जाएंगे, अपने अमृतसर वापस चले जाएंगे। लाहौर गए हैं, लाहौर से अगर अमृतसर आए तो लाहौर वापस चले जाएंगे, रावलपिंडी चले जाएंगे, है ना। बट लोगों को क्या पता था कि भाई इनको तो पॉलिटिक्स का नशा चढ़ा हुआ है ना। इनिशियली इवन मुस्लिम लीडर्स डिड नॉट सीरियसली रेज द डिमांड फॉर पाकिस्तान एज अ सॉवरेन स्टेट, तो मुस्लिम लीडर्स भी रेज नहीं कर रहे हैं, कोई पॉइंट ही नहीं है। In the beginning, Jinnah himself may have seen the Pakistan idea as a bargaining counter useful for blocking possible British concessions to the Congress and gaining additional favors for the Muslims। तो थोड़ा सा वीटो काइंड ऑफ ला रहे थे जिन्ना, मतलब वीटो से कहना चाहते थे, जब भी उनकी डिमांड उन्हें लगता था फुलफिल नहीं होती थी, वो पाकिस्तान का टॉपिक ले आते थे, वो करते रहेंगे आगे चल के, लेकिन उनका ये कोई पर्पस नहीं था कि इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, सिर्फ बार्गेनिंग काउंटर। ठीक है, कोई कोई होता है ना, जैसे बोलते हैं मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब घर छोड़ के कौन जाता है ना, ये सिंपल सी बात है, असली में एक ही दिन चला ही गया घर छोड़ के, वो पॉइंट। The pressure of the Second World War on the British delayed negotiations for independence for some time. तो दोस्तों जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई वो थोड़ी सी ट्रिकी थी। 1939 से 45 तक इसने ब्रिटिश का दिमाग भी हिला दिया। विंस्टन चर्चिल तो इलेक्शन ही हार गए, राइट, और ब्रिटिशर्स का दिमाग जो है वही हिला दिया। और पैसे नहीं थे वॉर में, सोल्जर थके हुए थे, हिम्मत नहीं थी, हिम्मत टूटी हुई थी, ब्रिटिशर्स का खुद ही दिमाग नहीं चल रहा था और पावरफुल भी नहीं रह गए थे। यूएसए और यूएसएसआर उठ के आ रहे थे। तो इस टाइम में जो यूएसए बोल रहा था वही ब्रिटेन फॉलो कर रहा था, यूएसएसआर को तो बहुत डर था। ठीक है, ये चीज़ भी है, कोल्ड वॉर सिचुएशन भी थोड़ी सी शुरू हो गई है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, डिलेड नेगोशिएशंस। तो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, 1939 से लेके 45 तक ज़्यादा कुछ नेगोशिएशंस हुई नहीं। ठीक है, क्रिप्स ऑफर आया था, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन आया था, अगस्त ऑफर आया था, ये दोनों चीज़ें हैं। यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल पता होना चाहिए, 12th के स्टूडेंट्स भी पढ़ लें। पहले अगस्त ऑफर आया था 1940 में, क्रिप्स मिशन आया, ट्राई करा इन्होंने कि सुलह हो जाए सबकी, भारतीय जो हैं वो ब्रिटिशर्स का साथ दें उनकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और इन्होंने थोड़ा प्रॉमिस भी करा कि ठीक है भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन भारत ने एग्री नहीं करा। भारत ने बोला हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और लीग अपने पॉइंट्स देती गई, हिंदू महासभा अपने पॉइंट्स देती गई, तो वो सब चीज़ चल रही थी। लेकिन पॉइंट ये, अंग्रेज़ों ने ट्राई इस टाइम में किया था, लेकिन एक चीज़ समझनी होगी कि 1939 से 45 तक ज़्यादातर नेगोशिएशंस हुई नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का फोकस ये था हम अपना देश तो बचा लें। उस टाइम में लंदन पे इतना हमला हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इतना हमला तो पूरे के पूरे लंदन की हिस्ट्री में नहीं हुआ। ठीक है, जहां से अटैक बस एक ही बार हुआ है और कभी हुआ नहीं। Nonetheless, it was the massive Quit India movement which started in 1942 and persisted despite intense repression that brought British Raj to its knees. हमने देखा है भाई, क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई, गांधी जी का मूवमेंट, वायलेंट मूवमेंट, अंग्रेजों को यकीन दिला दिया कि हमारे जो डेज है वो नंबर्ड है, हमें जाना होगा यहाँ से, जल्दी से भाग लो, अदरवाइज तो बेइज्जती करके भगाया जाएगा, है ना, वो अलग होगा। ठीक है, बेइज्जती करके, है ना। And that brought the British to its knees and compelled its official to open a dialogue with Indian parties regarding a possible transfer of power. तो आपको दिख रहा है कि ब्रिटिश समझ गए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, और दंगे भी हो रहे थे। ठीक है, दंगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे ब्रिटिशर्स, बोलते जब जाना ही है तो थोड़ा और जल्दी चले जाओ। तो वो आप नोटिस करेंगे कि 1948 तक निकलने की बात हुई थी, जून 1948 तक एटली ने ये बोला था, उनके जो न्यू प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल के बाद। लेकिन अंग्रेज जल्दी चले गए, अगस्त 1947 में ही चले गए, क्योंकि वो बोलते भैया दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कहीं प्लेग फैल रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, हमें नहीं लेना ब्लेम, दुनिया में हमें अपनी इज्जत खराब नहीं करनी, हम तो एक रेपुटेड कंट्री है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, तो हमें ये सब नहीं करना, हम तो भाग लेते हैं। तो वो भाग गए, और आपने देखा ये पार्टीशन जो है थोड़ा सा सडन हो गया। ठीक है, तो सडननेस ये वर्ड आती है इसलिए कि ब्रिटिशर्स जल्दी से निकल लिए। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और चीजें क्या हुई। थैंक यू एंड टेक केयर।